नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। आज पिछली बार हमने महात्मा गांधी के बारे में कुछ जाना, अभी और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछले बारे में जो आपने बताया मुझे महात्मा गांधी के बारे में, तो आई एम रियली शॉक्ड विद ऑल द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हर जगह देखा जाए तो गांधी और बुद्ध का निशान बोला जाता है। तो इतना सब अगर आपको मालूम है या दुनिया को मालूम है तो ये राजनीतिकों के पास क्यों नहीं पहुँचता है? पहले मैं जगत गुरु को याद कर लूँ। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की है, बहुत ही उचित प्रश्न है कि मुझे पता है और लोगों को पता है तो ऐसी हालत क्यों है। तो मैं आपको साफ साफ बताऊं कि ये बातें बहुत कम लोगों को अभी भी पता है। अभी अभी तो ये शुरुआत हुई है, जब गांधी के विषय में उनके जो अलग अलग पक्ष हैं उन पर लोगों की का ध्यान गया है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं भारत में जिनको ये पता नहीं है, क्योंकि भारत में जो पाठ्य पुस्तकें हैं जिनको आप टेक्स्ट बुक कहते हैं, जिनको करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ के बड़े होते हैं, मतलब तीसरी चौथी कक्षा से लेकर के बारहवीं तक और उसके बाद कॉलेज में भी, यदि जो गांधी पर पुस्तकें आपको मिलेंगी तो उनमें उनकी केवल उनका स्तुति गान होगा, उनका महिमा मंडन होगा। स्वतंत्रता आंदोलन में आपको लगेगा कि यही थे जिन्होंने स्वतंत्रता दिला दी देश को। तो अभी भी अधिकांश जो हमारा देश है उसमें उनके विषय में जिस तरह से हम वस्तुनिष्ठ बातें कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, वो चीज़ें अभी लोगों के बीच नहीं आई हैं। जब आ जाएंगी तब आपको लगेगा कि लोगों में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। और साथ में जो आपने गांधी और बुद्ध का देश कहा, तो मैं मानता हूँ इसके पीछे भी वही कारण है, क्योंकि महात्मा बुद्ध हमारे यहाँ बहुत संत थे, महात्मा थे, अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने, फ्रांस के इतिहासकारों ने या यूरोप के अन्य इतिहासकारों ने महात्मा बुद्ध को पेंट किया है, वो हिंदुओं के विरुद्ध उनको खड़ा करते हैं और उसमें बुद्ध बुद्ध हो जाता। आप यदि भारत का भ्रमण करते हो तो आप देखेंगे कि सारे फाइव स्टार होटल में या जहां भी आप जाएंगे आपको बुद्ध की मूर्तियां मिलेंगी। बिल्कुल। प्रश्न उठता है, भगवान राम की मूर्ति क्यों नहीं मिलती है, भगवान कृष्ण की मूर्ति क्यों नहीं मिलती है? तो महात्मा बुद्ध का की जो मूर्ति है और उनका जो चेहरा है उसको एक तरह से आज के युग में सेकुलर मान लिया गया है, कि यदि कोई हिंदू या कोई भारतीय महात्मा बुद्ध की बात करे तो उसको माना जाएगा कि वो सेकुलर है। लेकिन यदि आप भगवान राम और कृष्ण की बात करेंगे तो आप सेकुलर नहीं रहेंगे। तो राजनीति में ये घुस गया है, राजनीति हमारे यहाँ सेकुलरिज्म का शिकार है, तो उसमें ये आता है। दूसरा, जो गांधी के बारे में मैंने बताया कि चूंकि पाठ्य पुस्तकों में उन्हीं के विषय में पढ़ाया जाता है तो आप गांधी और बुद्ध की बात करते हैं। अब आप आइए कि गांधी और बुद्ध दोनों को ले लें तो क्या उससे भारत की जो छवि बनती है बाहर या भारत के अंदर, क्या वो भारत की वास्तविक छवि है? तो नहीं है। आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष के इतिहास में, क्योंकि हमारा इतिहास केवल ये सिंधु घाटी की सभ्यता से नहीं शुरू होता जो कि आपको अंग्रेजों ने पढ़ा दिया, क्योंकि वो यदि हम मानेंगे तो हमारा महाभारत इतिहास नहीं है, रामायण इतिहास नहीं है, पुराणों में जो वर्णन है वो इतिहास नहीं है। लेकिन हम तो चूंकि मानते, और आपका चैनल भी उसी बात पर है कि आप मैथोलॉजी को निरस्त करते हैं और सत्योलॉजी को लाते हैं, सत्य को लाते हैं, इतिहास को लाते हैं, तो जो हमारा इतिहास है रामायण में, महाभारत में, उस सबको यदि लाएंगे तो हमारे इतिहास में अनेक युद्ध हुए, भारत का विस्तार हुआ है, भारत अनेक जगह जाकर जीता है। हम कहते हैं हम सातों द्वीपों पर हमने राज किया, तो क्या वो आपको निमंत्रण देने आए थे कि भाई हमारे यहाँ कोई राजा नहीं है, भारत से भेज दीजिए? युद्ध हुआ, जीता, कहीं कहीं बुलाया भी गया भारतीयों को, इसमें भी कोई दौरा नहीं है। लेकिन आपने उस सबको धो के बराबर कर दिया और आप केवल गांधी और बुद्ध की बात करते हैं। और यहाँ पर मैं एक और रोचक विषय उठाना चाहता हूँ, जो उस दिन गांधी के विषय में बात हो रही थी तो वो पहलू नहीं आ पाया। ये जो गांधी नामक व्यक्तित्व है, भारत में जो छवि बनाई गई है
प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत से बाहर उनकी गति चली है? भारत से बाहर जो संसार है वो गांधी जी को कैसे देखता है? तो इसके कई पक्ष उभर कर आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जहां थे वो, वहां पर मैं बताऊं सच क्या है कि सच ये है कि उन्होंने अवश्यंभावी रूप से गोरों के साथ, अंग्रेजों के साथ संघर्ष तो किया, कुछ मांगे रखी, कुछ सफलता भी उनको मिली, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग थे जिनको आप काले कहते हैं, उन लोगों के साथ महात्मा गांधी ने अपने आप को नहीं जोड़ा। और इसीलिए आज आप अफ्रीका में जाएंगे तो उनकी मूर्तियां हटाई जाती हैं, उनके विषय में ऐसी बातें की जाती हैं कि उन्होंने भारतीयों के लिए संघर्ष किया और भारतीयों को उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के निकट हैं, या अर्थात हम गोरों के निकट हैं, हम जो वहां के काले हैं उनसे दूर हैं। इसको आप पश्चिम की भाषा में रेसिस्ट कह सकते हैं। और इसीलिए आज उनकी वहां कई तो मूर्तियां तोड़ी गई हैं और कई जो वहां के विद्वान हैं, जो पढ़ लिख के बड़े हुए हैं, उन्होंने इस विषय पर लंबा चौड़ा लिखा है। तो हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। और अमेरिका में मैं चुकी हूँ आपके साथ, और आपके सौजन्य से, आपके सहयोग से जो हमने यहाँ के मूल निवासियों को देखा है, समझा है, तो मैं तो मानता हूँ कि दो व्यक्ति मेरे सामने हैं, एक आप हैं और एक कविता जी हैं जो उधर रहती हैं उत्तर में, अमेरिका के उत्तर हिस्से में। तो आप दोनों का जैसा स्नेह पूर्ण संबंध है, प्रेम पूर्ण संबंध है यहाँ के मूल निवासियों से, इतना तक गांधी ने नहीं किया। उनके साथ बैठने की बात तो छोड़ दीजिए, उनके किसी विषय को नहीं उठाया, जबकि उनकी स्थिति क्या थी? पशुवत थी, पशु के समान थी। जैसे यहाँ रिजर्वेशन है, वहां वैसे ही अपार्थाइड था। और ये कह दिया जाता था कि इस हिस्से में तुम रहोगे, इससे बाहर नहीं आओगे, बाहर आने पर हम गोली मार देंगे। तो गांधी के व्यक्तित्व का जो यह पक्ष है, इस पर भी बहुत कम काम हुआ है, बहुत कम शोध हुआ है। जब शोध होगा और जब ये सारा सत्य बाहर आएगा तो आप गांधी के व्यक्तित्व के विषय में और जान पाएंगे। एक्चुअली क्या है कि आपने बड़ा अच्छा ओपनिंग पॉइंट्स रखा, अभी मेरा दिमाग भी चल रहा है। तो एक जब बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध और हिंदू में कोई फर्क नहीं है साउथ ईस्ट एशिया में, कभी कभी विष्णु को ही बुद्ध बुलाते हैं वो लोग। और जो भारत के जो पॉलिटिशियंस हैं, इनको राजनीतिक तो बोलेंगे नहीं, पॉलिटिशियन बोलेंगे, ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये एक वैलिडेशन के लिए, लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए बुद्ध की बात करते हैं। लेकिन अगर हम शास्त्रों के अनुसार से देखें या पढ़ें तो हम अगर राम और कृष्ण की बात करें एज ए बोधिसत्व, तो उसको भी साउथ ईस्ट एशिया एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो भी एक बोधिसत्व उनके हिसाब से। तो कहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि लैक ऑफ नॉलेज है, या फिर एक कन्विक्शन नहीं है, या फिर अपनी परंपराओं पर विश्वास नहीं है, जो फॉरेन के वैलिडेशन के लिए इस तरह की बातें की जाती है? ये तो बुद्ध के ऊपर हो गया। गांधी के ऊपर तो आपने बिल्कुल सच बोला है कि गांधी के बारे में लोगों की ओपिनियन चेंज हो रही है, और गांधी इज बिकम ए लायबिलिटी फॉर द ब्रिटिश एज वेल एज फॉर इंडिया, नेम गांधी। तो उसके विषय में आप कैसे ऐड करेंगे इसमें दोनों पे? देखिए, महात्मा बुद्ध को लेकर के मैंने कई जो दक्षिण पूर्व एशिया कहा जाता है, हालांकि हमारे लिए सब जम्बू द्वीप ही है, उनके अनेक देशों पर मेरी समय समय पर वार्ता भी हुई है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि थाईलैंड हो, आज का म्यांमार हो, वियतनाम हो जिसको चंपा कहा जाता था, कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, जहाँ कहीं भी आप महात्मा बुद्ध का कुछ प्रभाव देखते हैं, तो साथ में आप ये भी तो देखते हैं कि वहाँ के मंदिरों में हमारे हिंदू देवी देवता भी हैं और साथ में ही बुद्ध की मूर्ति है। देखिए, ये संयोग क्या आप कभी दिखा सकते हैं कि एक मस्जिद में मरियम और जीसस की मूर्ति लगी हो, या एक चर्च में ये कह दिया जाए कि आधा हिस्सा मस्जिद है? ऐसा तो नहीं होता। ये जो मूर्ति की स्थापना है भारत में और भारत से बाहर, जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध की मूर्तियां हैं, वो उनकी स्थापना ही सिद्ध कर देती है कि इन दोनों में कोई भेद नहीं था,
इन दोनों में कभी कोई भेद नहीं हुआ, और जो हिंदू थे वही समय समय पर, क्योंकि हिंदू समाज में आप जानते हैं कोई बड़ा संत महात्मा होता है लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, पीछे चले जाते हैं और उनका अनुकरण करते हैं, उनको पूजते हैं। हमारे हिंदू धर्म में अनेक महर्षि ऋषि हुए हैं, शंकराचार्य को आप ले लीजिए, जिनके पीछे मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मठ की स्थापना की है तो लगता है कि उनके पीछे कितना संसाधन रहा होगा, कितने लोग रहे होंगे तभी जाकर के वो इतने सफल हुए उस युग में। तो इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध थे, उनको कभी अलग नहीं देखा गया था। और यही कारण है कि मैं भारत में यह प्रश्न करता हूँ कि यदि महात्मा बुद्ध का ऐसा प्रभाव था, हमारे देश में बौद्ध मत का ऐसा प्रभाव था, तो 1920-21 के बाद या 30 के बाद ही कोई क्यों बौद्ध बना भारत में? 1850 में कोई बनता, 1750 में कोई बनता, 1650 में बनता, कभी कोई बना क्यों नहीं? क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं थी। मैं बिना अपने आप को बौद्ध माने भी कह सकता हूं कि मैं महात्मा बुद्ध का अनुयायी हूं, मैं उनकी बातें मानता हूं। और बातें कैसे हैं? आप कह रहे हैं कि मध्यमार्गी हो जाइए, आप में करुणा होनी चाहिए, आप में मन में शांति होनी चाहिए। अब वो क्या कह रहे हैं? वृद्धावस्था से कैसे लड़ा जाए, रोग से कैसे लड़ा जाए, यही तो उनकी समझ, उनके इस विषय, इस विषय से किसी को कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात है किसी मत का परिवर्तन नहीं किया, ये उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने ऐसा किया है। न उन्होंने कभी किसी वर्ण व्यवस्था पर चोट पहुंचाई, न कुछ किया जिसको आजकल जो कम्युनिज्म वाले हैं, कम्युनिस्ट वाले हैं, जो उसको बड़ा बनाते हैं, उसको खड़ा करते हैं, तो ये भी उन्होंने नहीं किया है। इसलिए महात्मा बुद्ध से हमारा कोई पृथक हम नहीं है। ये पृथक जो है हुआ ही है, आपको मैं बताऊं 1830 और 40 के दशक के बाद से, जब आप देखेंगे कि वियतनाम को भी उन्होंने देखा कि वहाँ हिंदू हैं, कंबोडिया में भी हिंदू हैं, थाईलैंड का राजा अपने आप को राम कहता है, राजधानी को अयोध्या कहता है, और रामायण उसका राष्ट्रीय ग्रंथ है, राम लीला तक करते हैं वो, तो कैसे बौद्ध हो जाएगा? तो इसलिए ये सारा कुछ अंग्रेजों द्वारा, फ्रांस द्वारा किया गया, और बाद में चीन ने भी इसमें हाथ जरूर लगाया, और इन सारे देशों के नाम बदल गए। केवल नाम पे चले जाइए आप, थाईलैंड श्याम है, वो ब्रह्म देश है म्यांमार, आप चंपा जो है वियतनाम है, इंडोनेशिया के तो कितने सुंदर सुंदर नाम है, सुमात्रा है, बाली है, और इधर जो है मलय देश है जो मलेशिया हो गया आपका। तो ये सारे के सारे जो हैं वो महात्मा बुद्ध और हिंदू धर्म जो है वो एक दूसरे से नाभिनाल बद्ध हैं, और जहाँ जहाँ भी है उन्होंने उसको अलग करके नहीं देखा है। यह जो पृथकतावाद है या पृथक पहचान है, इसकी आयु 100-150 वर्ष की है। जहाँ ज्ञान का विस्तार होगा वहाँ वो पृथकतावाद मिट जाएगा। अब गांधी जी के विषय में जो आपने कहा, वो जो मैंने कहा ही आपसे कि धीरे धीरे समय में परिवर्तन आ रहा है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके विषय में लोगों को जानकारी होगी, और जैसे जैसे जानकारी होगी उनके व्यक्तित्व के जितने छुपे हुए पहलू जो अभी आप हम देख नहीं पा रहे हैं वो सब देखेंगे। और भारत से बाहर के लिए मैं आपको आश्चर्य की बात बताऊँ कि अभी 2 दिन पहले मैं ऐसे ही कुछ वीडियो देख रहा था, और एक वीडियो था कि पश्चिम में गांधी के विषय में क्या बात हो रही है। तो जो मेन बोलने वाला व्यक्ति है, होस्ट है कि इस टीवी चैनल पे, उसके साथ 3-4-5 लोग हैं, और वो बोल रहा है कि वो तो 17 वर्षीय कन्या को लेकर के अपना सत्य का प्रयोग करते थे, और जिसमें वो निर्वस्त्र होकर के सोते थे, और सुबह होकर क्या कहते थे कि मेरा ब्रह्मचर्य असफल रहा। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है, और ये पश्चिम में हो रहा है। तो पश्चिम में ही भी जहाँ जहाँ इस तरह की बातें फैल रही हैं, लोग उनके पत्र पढ़ रहे हैं या उनके विषय में जो इस तरह की जानकारी वो बाहर आ रही है, और आज तो सोशल मीडिया का युग है तो उसमें ये संचार क्रांति है, तो भारत के बाहर जो उनकी छवि है वो बड़ी ही, अब कहिए कि आपने सही कहा कि वो एक तरह की लायबिलिटी की तरह हो गए हैं कि लोग उनके बारे में बात करते हैं। और आप कब तक उनको बचाएंगे? क्या कह के बचाएंगे आप क्या कह के बचाएंगे? राजनीति में आपने देख लिया कि उनके कारण देश का बंटवारा हुआ,
देश का बंटवारा चलिए हो गया तो क्यों नहीं भारत से सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा गया, जब आपने अपने लिए देश मांगा है, फिर तो कहीं से कोई तर्क नहीं बनता कि वो भारत में रहें। और आज भारत की, मैं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, कि सबसे बड़ी समस्या जो है वो मुसलमानों की उपस्थिति है। इतना पैसा खर्चा होता है हमारे यहाँ रक्षा सुरक्षा पर, उसका एकमात्र कारण मुसलमान है। पाकिस्तान बनने पर भी समस्या समाप्त हो जाती तो हम ये मानते कि चलिए गांधी जी ने अच्छा काम किया कि ये सदा के लिए समस्या का अंत हो गया, लेकिन वो तो इसराइल की तरह हो गए कि सदा आप युद्धरत रहिए, सदा चौकन्ने रहिए, सदा सतर्क रहिए, कहाँ से कौन क्या कर देगा उसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए आंतरिक हो या बाहरी हो, दोनों तरफ से, और ये जो बुद्ध और गांधी का देश है, मुझे लगता है आने वाले समय में जब इसका प्रचार प्रसार होगा तो कोई भी नेता यह बोलने से बचेगा। नहीं, एक्चुअली आपने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बोली कि ये जो आजकल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उसकी अज्ञानता ही इस सिस्टम को आगे लेके जाती है, बुद्ध और गांधी के देश को। क्योंकि ना तो ये बुद्ध का देश है, ना ये गांधी का देश है, ये तो भरत महाराज का देश है। बिल्कुल। और भरत तो दो बार नाम है, एक ऋषभ देव के पुत्र का नाम है और दूसरा इसका नाम है। लेकिन आज के विषय में अगर हम इसी टॉपिक में हम बात करें तो ये जो गांधी के नाम पे या बुद्ध के नाम पे, क्या ये एक तरीके की स्ट्रेटजी नहीं है कि हम हिंदुओं से उनको अपनी रक्षा करने का भी ताकत उनसे छीन ले, मतलब बोलते डीफैंगिंग द हिंदूज। हाँ, वो तो मैंने पिछली वार्ता में भी कहा था कि गांधी का जितना आप स्मरण करेंगे या गांधी के रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे, उतना आप समझिए कि हिंदू को आप, हिंदू समाज को आप दुर्बल करना चाहते हैं, उसकी शक्ति को छीनना चाहते हैं। एक प्रकार से आप उसको, जिसको कहते हैं ना निहत्था हो जाना, उस तरह का आप काम करते हैं। और वो भारत देख भी चुका है, गांधी के समय में भी कई बार ऐसे दंगे होते थे जब मुसलमान हिंदुओं को मार के चले जाते थे, और जब हिंदू ऐसा प्रतिकार स्वरूप कुछ करना चाहते थे और गांधी खड़े हो जाते थे वहाँ। मोपला उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहाँ पर हिंदुओं का बड़ी संख्या में संहार हुआ था। नवाखाली बंगाल उसका उदाहरण है, जहाँ बड़ी संख्या में संहार हुआ था। पाकिस्तान बन जाने के बाद जो पश्चिमी पाकिस्तान से हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, और किसी किसी तो ट्रेन में केवल 100 ही आए थे, लोगों को काट दिया गया था। तो इतना भयंकर काम हुआ है। तो गांधी का तो हम नाम लें, स्मरण करें और उनकी बात को माने, तो उससे मुझे तो कोई लाभ दिखता नहीं है, उसमें केवल और केवल हानि होती है। लेकिन आप जो कह रहे हैं उसका एक और पक्ष, नेता आज भले ही कुछ भी कहें, लेकिन मैं मानता हूं कि अब जो जनता है और जो जागरूक हो गई है वो हंसती है। और प्रत्यक्ष रूप से मुझे अभी नहीं लग रहा है कि किसी नेता को इससे कोई लाभ होता है। मुझे कोई प्रामाणिक तौर पर कोई नहीं कह सकता कि गांधी बौद्ध बुद्ध का देश कहने से किसी को कोई लाभ होता हुआ मैं देख रहा हूं, ये नहीं होता हुआ दिख रहा है। इसलिए वो समय अब आ गया है कि थोड़े दिन में लोग इसको भूल भाल जाएंगे। और आप, नहीं, आपको देश कहना है तो आपको भगवान राम से क्या आपत्ति है? आप इस बात को जानते हैं कि भगवान राम से श्रेष्ठ इस धरती पर कोई राजा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ है? सब पर राम तपस्वी राजा, वो स्वामी तुलसीदास लिखते हैं हनुमान चालीसा। तो भगवान राम से आपको, आप हकलाते क्यों हैं? आप क्यों हिचकिचाते हैं? कोई अमेरिका का राष्ट्रपति आप आदर्श के रूप में चुन सकते हैं क्या? इतिहास में चले जाइए आप, क्या यूरोप के किसी प्रधानमंत्री को उस तरह का आदर्श बना सकते हैं आप? क्या किसी और देश के किसी राजा को बना सकते हैं? या भारत में तो बड़े अच्छे अच्छे राजा हुए हैं, फिर भी चूंकि भारत का मापदंड ही बहुत ऊंचा, अब जिस देश ने भगवान राम का राज देखा है उसको किसी और का राज क्या देखना है? आदर्श स्वरूप जब भी आप बात करें तो आप बात कीजिए ना कि भगवान राम का देश है ये। ऐसा
आदर्श राजा आपके आपका सौभाग्य है ना कि उस धरती पर ऐसे राजा का उदय हुआ जिसने प्राणी मात्र के लिए क्या क्या नहीं किया। मनुष्य को छोड़ दीजिए, आप अच्छे से जानते हैं रामायण में क्या क्या नहीं लिखा हुआ है कि जिसमें किसी भी तरह का कोई कष्ट हमारी जनता को नहीं हो, दैविक दैहिक भौतिक तापा। ये केवल ये नहीं है कि आज का जो नारा है कम्युनिस्टों का, वो तो किस तरह का नाका नारा नहीं है कि आपको भोजन मिल जाए, आपको वस्त्र मिल जाए। यहां तो आपके आध्यात्मिक सुख तक की चिंता है, पिता के रहते हुए पुत्र की मृत्यु नहीं हो, ऐसा वरदान राजा दे रहा है आप। तो हमें वो समय आ गया है जब हमारे शब्दकोश में सबसे पहले भगवान राम कृष्ण और फिर रघुवंश में भी एक से एक राजा हुए हैं, उनका स्मरण कीजिए आप। फिर विक्रमादित्य का स्मरण कीजिए, ललितादित्य का स्मरण कीजिए, राजेंद्र चोल का कीजिए। इतने बड़े बड़े राजा हुए हैं भारतवर्ष, मार्तंड वर्मा। हाँ, मार्तंड वर्मा। तो आपके पास किसी चीज का अभाव ही नहीं। और इनके सामने यदि आप रख के देखते हैं तो महात्मा बुद्ध कोई शासक तो थे नहीं, क्यों आप उनको ला रहे हैं? आप बुद्ध संत महात्मा थे, संत महात्मा ही देखना है तो आप अगस्त मुनि से लेकर के नारद मुनि से लेकर के कितने का नाम आप लेंगे, एक से एक बड़े ऋषि मुनि आपको दिख जाएंगे। और फिर गांधी जैसे व्यक्ति को तो कोई गिनती में ही नहीं है वो इस देश में, कि क्या आपने छोड़ा है हमारे लिए। एक्चुअली इस विषय पे हम लोग जितना लंबा बात करेंगे उतना काम बहुत है, तो हम लोग अगले विषय में, अगले एपिसोड में, मैं एक फॉरेन पॉलिसी, आप तो अमेरिका में हैं और अमेरिका के पर्सपेक्टिव से हम गांधी को देखते हैं, और क्या यहाँ के जो मूल निवासी हैं क्या वो गांधीगिरी कर सकते हैं कि नहीं, वो जानना जरूरी है। क्योंकि जो हम देख रहे हैं मूल निवासी, आप तो आपने आपको बहुत अच्छा परिचय हुआ इस बार, तो आपने देखा ही है कि वो किस हालत में है, तो गांधी उनको कितना हेल्प कर सकते हैं और कौन उनको क्या हेल्प कर सकता है, तो इस विषय में अगले एपिसोड में हम टच करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ही सुंदर विषय है, इस पर जो है मनन चिंतन करके और अच्छी वार्ता होगी, और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके विषयों को उठाएं और संसार के समक्ष रखें ताकि कम से कम लोगों में जागरूकता तो उत्पन्न हो। ये पहली सीढ़ी है, पहला सोपान है। जब हम बात करेंगे उसके बाद आगे की बात सोची जाएगी, और ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि इन जैसे संसार में जो लोग बिखरे हुए हैं, जिनके साथ केवल और केवल अत्याचार हुआ है, उन लोगों के साथ भी न्याय हो और वे भी हमारी आपकी तरह जिसको कहते हैं स्वतंत्र जीवन जीना, वो आरंभ कर सके। बिल्कुल, नमस्ते एंड जगन्नाथ, जय जगन्नाथ फॉर ऑल ऑफ यू। तो डू वॉच दिस एपिसोड एंड ऑल्सो शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लेट मी नो योर फीडबैक, और अगले एपिसोड में हम उसको कंक्लूड करेंगे विद मूल निवासियों के साथ। चलिए सत्योलॉजी के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, नमस्ते।